नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। कपड़ा व्यापारी हेमंत जैन की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मृदुल गुप्ता मंगलवार को इंद्रगंज थाने पहुंचकर अपने वकीलों की मदद से हाजिर हो गया। मृदुल के वकीलों का कहना है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और इसलिए उसने पुलिस के सामने हाजिर होना उचित समझा है। शांति मोहन रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 208 में निवास करने वाले साड़ी कारोबारी हेमंत की घर में ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सोमवार सुबह व्यापारी के शव का डॉक्टरी परीक्षण कराया था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि मृतक के माथे पर 5 व चेहरे पर धारदार हथियार के 3 निशान हैं। सिर के पीछे किसी भारी वस्तु से प्रहार किया है जिसके कारण जान चली गई। व्यापारी की हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज में फ्लैट से निकलते नजर आए दोनों युवकों की पहचान पूर्व पार्षद के नाती दानावली निवासी मृदुल गुप्ता व उसके दोस्त आदेश जैन निवासी सुमावली के रूप में हुई। कैमरे में कैद होने की सूचना मिलते ही आदेश पुलिस के सामने हाजिर हो गया था, जिसके बाद मृदुल गुप्ता को पुलिस तलाश कर रही थी और मंगलवार को मृदुल हाजिर हो गया। उसके वकीलों का कहना है कि मृदुल को झूठा फंसाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन है एक्चुअल में क्या हुआ है कि उसने लड़के ने कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअल में जो सीसीटीवी फुटेज में उसको दिखाया गया है उसका और परिवार से संबंध था, क्योंकि जब उसे सीसीटीवी फुटेज में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है तो इस कारण जब उसे ये लगा कि मुझे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो वो डर के कारण, कभी उसने कोई क्राइम नहीं किया, डर के कारण वो भाग गया। खुद पत्रकार है और उसके घर में भी पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है, स्वयं भी है और स्वयं भी अपने पत्रकारिता का कोर्स कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर? एक हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, वो गलत है, निराधार है। इस कारण जब वो घटा, जब बाद में मालूम पड़ा है उसे कि मेरे साथ में ऐसा किया जा रहा है, तो उसने सभी परिवार के समक्ष आकर ये वाली बात करी। उसके द्वारा हमारी पुलिस से बात हुई है, उसने अपने आप को न्यायालय में हाजिर ना करते हुए अपना समझ पुलिस के समझ बयान देना उचित समझा है और वो अपने पुलिस के समझ आकर अपने पेश हुआ है, स्वयं हाजिर हुआ है। ठीक है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है क्योंकि वो निर्दोष है पूरी तरह से, उसका कहीं भी इस प्रकरण में कोई भी हाथ नहीं है। सुनील कुमार पाठक और सुनील शर्मा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक युवती के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को इसलिए खारिज कर दिया कि लड़की बालिग है और अपना भला बुरा सोच सकती है। ग्वालियर के इंद्रगंज इलाके से यह लड़की पिछले 2 महीने से गायब थी। दरअसल शिवपुरी के पिछोर में रहने वाली एक लड़की ने अंतरजातीय विवाह किया था। ये लड़की इंद्रगंज इलाके में अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। 21 जनवरी 2019 को कोचिंग से लौटते वक्त अचानक लड़की गायब हो गई थी। लड़की की बहन ने बताया कि उसे सलीम उर्फ समीर खान शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। इस बीच लड़की ने दिल्ली महिला आयोग के सामने परिजनों से अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी। दिल्ली महिला आयोग ने ग्वालियर एसपी को पत्र लिखकर लड़की को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात कही थी। गत रोज लड़की को हाईकोर्ट में पेश किया गया, जहां लड़की ने बताया कि वो बालिग है और अपने हित समझती है। उसने बताया कि युवक सलीम खान से उसने आर समाज मंदिर में शादी की है और उसी के साथ रहना चाहती है। इस पर हाईकोर्ट ने पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया और युवती को स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी जा सकती है। लड़की के पिताजी ने हेबियस कॉर्पस लगाई थी, संतोष गुप्ता जी ने, कि हेबियस कॉर्पस की उनकी उन्होंने उसमें एलिगेशन किया था कि उनकी बेटी को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के समक्ष। हेबियस कॉर्पस इसलिए लगाई थी, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था टू प्रोड्यूस द कॉर्पस, ये जो लड़की को पेश करने के लिए। तो चूँकि क्या था कि दी मैटर वॉज कि बीच में यह हुआ था कि इन्होंने दिल्ली वुमेन कमीशन में इन्होंने अप्लाई किया था। दी पिटिशनर, ये जो गर्ल है, इसने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी कि दैट शी एप्रीहेंड कि ऑनर किलिंग की वजह से इसको अपनी जान को खतरा है। तो जो विमेन कमीशन दिल्ली का है, उन्होंने लेटर लिखा था सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ग्वालियर को, डायरेक्शन दिया था टू प्रोवाइड सेफ्टी। तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर इनको आज दिल्ली से यहाँ लाया गया था। लड़की ने कोर्ट के समक्ष अपने बयान दिए कि उसने अपनी मर्जी से, शी हैज गॉट मैरिड, मेजर है, उसने अपनी मर्जी से शादी की।
ग्वालियर के माधोगंज चौराहे के पास पंडित गुलाब मार्केट में दो दुकानों के ताले तोड़कर गल्ले से चोरी और चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचकर 12 घंटे के अंदर रहस्य की इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही दुकान से लूटी गई धनराशि और ताले कटर भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गौरतलब है कि विगत 17 मार्च की रात महाराजबाड़ा स्थित श्रीराम धर्मशाला के पीछे बने पंडित गुलाब मार्केट में चोरों ने चौकीदार मोतीलाल चौरसिया की हत्या को अंजाम देते हुए मार्केट की दो दुकानों के ताले चटकाकर नकदी पार कर दी थी और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। इस घटना को आरोपी नंद किशोर उर्फ भोपाल द्वारा अंजाम दिया गया था। आरोपी कटर लेकर मार्केट में पहुंचा था और यहां मुकेश सुखवानी एवं हितेश तवानी की दुकानों के ताले तोड़कर गल्ले से रकम पार कर दी थी। इस दौरान चौकीदार के जागने पर उसकी चाकू मारकर हत्या भी कर दी गई थी। ये कल जो रात में जो हत्या हुई थी श्रीराम मार्केट में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो उसको कल ही ट्रेस कर लिया है। बड़ी कामयाबी है ये पुलिस के लिए, क्योंकि ये बीच शहर का ये मामला था और वहाँ पे चौकीदार की हत्या होना, ताले टूटना एक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। एसपी सर ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और हम सबको मार्गदर्शन दिया था, गाइड किया था, उसी उस पर चलते हुए कल ही इस मामले का पटाक्षेप हो गया, खुलासा हो गया। कोतवाली टीआई कोतवाली अजय चान्ना, इनकी पूरी टीम, सीएसपी साहब, उन सब लोगों ने लगती बड़ी मेहनत की, कल ही मामले को ट्रेस कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है कल ही। और उसने जो जो चीज़ें उपयोग की थी घटना में, एक आला जरब है चाकू वो, और एक कटर, वो सब चीज़ें जब्त हो गई हैं। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के आर्मी की बजरिया में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बीवी के मायके जाने से परेशान था तथा ससुराल पक्ष द्वारा उसे बीवी की झूठी हत्या के मामले में फंसाए जाने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसके बाद मृतक मोइन खान ने जहर खाकर जान दे दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की मौत पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। यह हुआ था, अभी इसकी मैसेज चली गई थी 8 दिन पहले, बच्चा छोड़ के दवाई लेने गई थी अकेले, एक मोड़ी थी साथ में हमारी मोहल्ले की, हैं उसको छोड़ के बच्चा दे के मोबाइल ले के और घर से जेवर फेवर जो थे पैसे रखे थे घर में सब ले के, बड़ा चुल्ली हो गई, वो आई नहीं, फिर लौट के आई नहीं। और जब मोड़ी, जब इसका ऑफिस था सामने से, इतने देखा बच्चा रो रहा है तो गया, तो वो बोली चाची जब छोड़ के बच्चा चली गई, समझे। अब इसके बाद आज धमकी आ रही थी, ठाठी आ रही थी कि साड़ू सट्टे ससुराल वाले थे, तू ये मार डालेंगे, तू ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना है, हैं तुमने मोड़ी, तुमने मार दी और मार के गाड़ दी, हमारा नाम ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। अब वो डर गया बच्चा, वो डर गया, तो इसने ये गलत कदम उठा दिया। ये खाया 10:15 की बात है, हाँ नहीं दिन की, दिन की सुबह दिन की, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो खाई थी सलवाज खाई है। ग्वालियर के मलगढ़ा थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश की पहचान हो गई है। मृतक का नाम छोटे लाल बताया गया है और वो रात में घर से खाना खाने के लिए निकला था, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद सुबह रेलवे ट्रैक पर उसका शव पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उसके परिजनों को मामले की जानकारी देते हुए शव को पीएम हाउस पहुंचा दिया था, जहां मृतक का पीएम कराकर शुरू करते हुए मामले की छानबीन तेज कर दी है। अब जो कुछ नहीं मालूम है, वो गाड़ी से आया, फिर पता नहीं रात को राशन लेके घर पे गया, घर पे देने के बाद वो बोला बहू से कि मैं आ रहा हूँ खाना बनाओ, तो वो खाना बनाने लगी, जे चला गया, फिर जे लौट के वापस नहीं आया। रात को 12 बजे घर पे खबर पहुँची, तो हम बाहर थे, फिर 1 बजे मेरे को रिपोर्ट मिली कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो मैं तुरंत ही वहाँ से थाने पहुँचा हूँ। वैसे स्ट्रॉन्ग पार्क मोती झील ग्वालियर रहता हूँ मैं, और रहने वाले यूपी के जिला जाल जे गदाईपुरा रहते थे, जलकारी कॉलेज के बगल से, किराए से। नहीं, किसी पे कोई संदेह नहीं है, हाँ दारू पीते थे शाम के वक्त, नहीं हम क्या लग रहा, हम किसी के ऊपर कोई विवाद हो किसी से, तो पुलिस के द्वारा यही जानकारी मिली थी कि आपका भाई ख़त्म हो गया ट्रेन से कट के, जे अपने मलगड़ा थाने की जस्ट पीछे,
रेलवे ट्रेन पे, तो रात में पुलिस का इतना अच्छा हुआ कि उसको खबर लगने के बाद पुलिस उनको उठा के यहाँ पे चीलघर में जमा कर गई। कल रात को रेलवे कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि ट्रेन की पटरी पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। रात पे वहाँ पे गए तो मृतक के परिजन वगैरह भी आ गए थे, वहाँ पे पता किया तो उन मृतक का नाम छोटे लाल था जो गदाईपुरा में रहता है। फिर उससे वहाँ पे डेड हाउस में रखवा दी थी वहाँ से बॉडी। अभी पंचनामा कर नहीं, सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला है। घर वालों का कहना है उनके कि शराब वगैरह पिया करता था। बाकी जाँच चल रही है, उसके बाद जो भी होगा। आत्महत्या का लग रहा है प्रथम दृष्टया तो। ग्वालियर के एजी पुल के पास गत रोज एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों हाथ व सिर कट गया, जिसके दूसरे दिन उसकी पहचान हुई है। बताया गया कि मृतक सूरज बाबू यहां रेलवे ट्रैक के पास रहने वाला था और दिन में 2 बजे के करीब घर से बिना कुछ बताए निकल गया था और ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक अपना मोबाइल और पर्स भी घर पर रखकर आया था। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है। कुछ मामला नहीं है, नॉर्मली तरी था घर पे रोज, और 1:30-2 बजे के टाइम पे मैं छोड़ के गया था। 1:30 बजे तक उसको ऑफिस में गया है, वो घर पे ही था, लेटा हुआ था। और बाद में 2 या 2:30 बजे पता नहीं कब क्या चला गया बिना बताए, बाहर से कुंडी लगी थी बस। नहीं कोई बात बात, कोई नॉर्मल नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं करता था, घर पे ही रहता था। नहीं नहीं कुछ नहीं, ना मोबाइल ले गया ना पैसे वैसे कुछ ले गया था, ऐसे ही गया था। मोबाइल उसका घर पे मिला है, जो सुबह पेपर में पढ़ा था ना, रात में ढूंढा ना हमने सब लोग, नहीं मिला तो पेपर में अज्ञात युवक की लिखी थी, तो हमने तलाशी करी कि कौन है। जब पता पड़ा है कि मेरा भाई था। ये डिप्टी एसएस के मैं हूँ, पर रवाना होगी और जाके जी ए जी ऑफिस के पास, DRD ऑफिस के सामने ये वहाँ खम्मा नंबर 12 से 23 पर जो पड़ा था। मतलब अब अज्ञात था सर, वो तो हम तो उसको फोन कर लगाया, गाड़ी सब वाले को, गाड़ी वाले को बुलवाया है रात, वो गाड़ी से उसको लेके आए और अपने यहाँ इसमें रखवा दिया है सब ग्रह में। मतलब और फिर फोन आया नई दुनिया प्रेस वालों का, तो उनको मैंने बताया प्रेस वालों को, नई दुनिया वालों को। कपड़ों एवं ज्वेलरी की दुकान पर दुकानदार को बातों में उलझाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली माँ बेटियों को पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली थाना इलाके के दही मंडी में राहुल गोयल की कपड़ों की दुकान पर इन माँ बेटियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर इनकी तलाश शुरू करते हुए इन्हें दबोच लिया। बताया गया कि प्रीतमपुरा गुड़ा में रहने वाली सरोज खान इस चोर परिवार की मुखिया है और उसकी बेटियां संजू एवं मंजू भी चोरी की वारदातों में मां का सहयोग करती थी। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। ये थाना कोतवाली में ये कार्रवाई हुई है। कुछ 3 महिलाएं थीं, वो खरीदारी करने गई थीं और खरीदारी करते ही उन्होंने वहाँ पे चोरी की है, कपड़े का एक थान चुराया, तो उनका फुटेज भी मिला है। उन महिलाओं को प्रकरण पंजीबद्ध करके गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत पर उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का कहना है कि जेल में प्रताड़ना के दौरान उसकी मौत हुई है। वहीं जेल प्रशासन अभी कैदी की मौत पर चुप्पी साधे हुए हैं। गोहद का रहने वाला रामहेत सिंह गुर्जर 302 के मामले में केंद्रीय जेल ग्वालियर में सजा काट रहा है और विगत 1 मार्च को वो जेल से पैरोल पर रिहा होकर घर आया था और 15 मार्च को जेल में पहुंचने के बाद गत रोज परिजनों को रामहेत की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद ग्वालियर पहुंचे रामहेत के परिजनों का कहना है कि जेल में उसे प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं जेल प्रशासन अभी कैदी की मौत पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी हमारे मौसा जी हैं, जे जिन इनका रामहेत सिंह नाम है, जेल में गए, इनने दो मर्डर किए थे जिसमें उसमें गए थे। उसके बाद में वहाँ पर सजा काट रहे पैरोल पे आ रहे थे, पैरोल पे आए, 15 दिन की पैरोल काट के गए हैं। उसके बाद में मारपीट हुई है, 15 तारीख को गए हैं। हाँ, क्या लग रहा है? मारपीट की है इसकी, कहें मारपीट करके इसको मार दिया गया है।
सर ऐसा है कि हमारी ड्यूटी जिला साहब आदेश का तो पालन करते हैं हम। जिला साहब बोले कि ये अंदर से आया अस्पताल से मेन गेट में, बोले थे इसको तत्काल ले जाओ भर्ती कराओ, तो हम यहाँ भर्ती कराए कैजुअल्टी में। कैजुअल्टी वाले बोले कि आईसीयू वार्ड में ले जाओ, आईसीयू में देखे सुने उसको, बल्कि वहाँ कैजुअल्टी में नाम हम सब बताया। इसके बाद आईसीयू वार्ड में ले आए, आईसीयू वार्ड में देखे ओके, फिर वो डॉक्टर बोले कि वो तो ख़त्म हो गया। ये जानकारी ऑफिस वाले बताएंगे सर, ये ऑफिस वाले बताएँ कौन धारा में कहाँ का रहने वाले, ये जानकारी हमको नहीं है, ये ऑफिस वाले बताएंगे। पीएम नहीं आए, इसको भर्ती कराने आए थे तो इसको यहाँ रखना था, तो घर वाले बोले। इस बार 20 मार्च से होली का 5 दिवसीय रंगोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जहां 20 मार्च की रात असत्य के नाश के लिए होलिका दहन होगा और 21 को रंग और गुलाल उड़ाते दिखाई देंगे। इस बार अचलनाथ महादेव सार्वजनिक न्यास द्वारा भी होली के पावन पर्व की विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें अचलेश्वर महाराज भी भक्तों के साथ होली खेलेंगे और शहर भर के भ्रमण पर भी निकलेंगे। 25 मार्च को मंदिर परिसर से रंग पंचमी के दिन विशाल चल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्तगण भी शामिल होंगे। देखिए, एक तो 25 मार्च सोमवार को परंपरागत भगवान अचलनाथ जिस तरह राम मंदिर पर जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ होली खेलते हैं, इस बार 25 मार्च को जो है सोमवार को भगवान अचलनाथ सनातन धर्म मंदिर चक्रधर के साथ, गिरिराज जी के मंदिर गिरिराज जी के साथ और नगर के जो बीच में जितने भी मंदिर पड़ते हैं उनके साथ होली खेलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ राम मंदिर पर होली खेलने जाएंगे। गौ माता के संरक्षण के लिए कंडों की होली जलाएं और साथ ही साथ वृक्षों को के संरक्षण के लिए लकड़ी काटना बंद करें। 25 तारीख को रंग पंचमी धूमधाम से निकलेगी शहर के प्रमुख प्रमुख मार्गों से। होली का पर्व नज़दीक आते ही बाजारों में एक बार फिर से रंग बिरंगे रंगों से सजी दुकानें देखने को मिल रही हैं। शहर के सभी बाजारों में होली के पर्व के लिए इस तरह की दुकानें सजाई गई हैं और जहां ग्राहकों के लिए तरह तरह की वैरायटी की पिचकारियां और गुलाल रंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 21 मार्च को होली का पर्व पूरे देश भर के साथ ग्वालियर में भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 20 मार्च को होलिका दहन के साथ शुरू होने वाला यह पर्व 25 मार्च तक मनाया जाएगा। होली के पावन मौके पर हर बार की तरह इस बार भी रंगों के बाजार भी सज गए हैं और बच्चों के लिए अलग अलग तरह की पिचकारियां भी दुकानों पर बिकने के लिए आ गई हैं, जिसमें इको फ्रेंडली रंगों की खासी मांग देखने को मिल रही है। भैया, काफ़ी कुछ नया है इस बार, ब्लास्टर वगैरह भी आया है और फटाके भी आए हैं नए नए, और जयपिका ने भी नया एक ब्लास्टर निकाला है, बहुत अच्छा है, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ब्लास्टर में रेंज है अपनी लमसम 80 रुपये से लेके 100-120 रुपये तक, और फिर जो 5 का ब्लास्टर आता है वो अपना लमसम आता है 250-300 रुपये लमसम का, और रंग हरा है, गुलाबी है, पीला है, नीला है। नहीं नहीं, जयपिका में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जयपिका बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे तरीके। नहीं नहीं, इसमें अगर आप लोकल लेते हो तो इसमें साइड इफेक्ट है, अदरवाइज और जयपिका में कुछ भी नहीं है ऐसा, जयपिका बहुत अच्छी कंपनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुना से ऊपरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। महाराणा प्रताप नगर इलाके में करीब 7 बीघा सरकारी जमीन को गलत तरीके से सिंधिया ट्रस्ट की जमीन बताकर उसे निजी बिल्डर को बेचने के मामले में एक जनहित याचिका करीब 5 साल पहले 2014 में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, कमला राजा देवस्थान ट्रस्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रस्ट एवं चित्रांगदा राजे सिंधिया को नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने 25 फरवरी 2019 को हाईकोर्ट में एक आवेदन लगाया, जिसमें मांग की गई कि समाचार पत्रों के जरिए नोटिस को सर्व करवाया जाए। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस बीच सिंधिया परिवार और ट्रस्ट के अधिवक्ता के एन गुप्ता ने खुद नोटिस ले लिए। इसमें
खुद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया और दोनों ट्रस्टों के नोटिस शामिल हैं। न्यायालय ने इसे नोटिस तामिली मानते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल ललितपुर मौजे की सर्वे नंबर 12-11 और 12-12 की करीब 7 बीघा जमीन को रिकॉर्ड में सरकारी बताया गया है, जिसे सिंधिया परिवार ने किन्हीं नारायण डेवलपर्स के नाम 2006 में रजिस्ट्री संपादित की थी। अब इस मामले में सिंधिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये जो है पिटीशन श्री उपेंद्र चतुर्वेदी जी ने फाइल की है, जिसका नंबर 949/2014 है। इसकी विषय वस्तु यह है कि सर्वे नंबर 12-11 और 12-12 जो सरकारी सर्वे नंबर हैं और ललितपुर मौजे में स्थित हैं ये, और इनका रकबा लगभग 7 बीघे का करीब है। इसको सिंधिया परिवार ने नारायण बिल्डर्स को बेच दिया है। ये पिटीशन की विषय वस्तु है जी, और इसमें प्रार्थना एक रिलीफ ये मांगा गया है कि ये सारे सरकारी नंबर हैं घोषित किए जाएं और सरकार के पोजीशन में आएं जी। इसकी तामील जो है ये रिस्पोंडेंट इनके बताना पड़ेगा। इसकी तामील जो है कमला राजा ट्रस्ट जी, कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट जी, दी ज्योतिरादित्य ट्रस्ट, माधवी राजे सिंधिया, श्रीमती माधवी राजे सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रीमती चित्रांगदा राजे सिंधिया, इन पे 4 साल से इस पिटीशन की नोटिस की तामील नहीं हो पा रही थी, जबकि कई बार 4-5 बार रजिस्टर्ड लेटर द्वारा तामील न्यायालय द्वारा भेजी गई, लेकिन वो सब अनसर्व होके रिकॉर्ड में हैं। होली के पर्व और चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए पुलिस महकमे द्वारा इन दिनों जोरदार ढंग से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खुद पुलिस कप्तान नवनीत भसीन चेकिंग पॉइंटों की जांच कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सके। मंगलवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वाहनों को चेक करते हुए उनके दस्तावेज तो जांचे ही, साथ ही वाहनों में संदिग्ध वस्तु या नकदी मिलने पर उसकी जाँच भी की गई। अभी हमने लगभग 50 गाड़ी चेक करी। अच्छा, इसमें कुछ चालानी कार्रवाई है? हाँ, चालानी कार्रवाई भी चल रही है, नंबर प्लेट वगैरह की चल रही है। अभी हुटर भी देख रहे हैं, अगर हुटर भी मिल जाता तो उसकी भी कार्रवाई। हुटर हटा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, हुटर हटा भी रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और साथ में अगर किसी गाड़ी में अगर कैश वगैरह मिल जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को इतला दी जाती है। और अभी कोई मिला है सर किसी पे कैश? हाँ, अभी अभी यहाँ पे इन पर मिला था 1,85,000 रुपये का समथिंग, तो उसका पर्याप्त कारण भी है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके बता दिया उन्होंने, तो उन्होंने जैसी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिया। खाद्य विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने टेकनपुर में मिठाई की दुकान और दूध डेयरियों से सैंपल भी जब्त किए हैं। टेकनपुर के जय बजरंग डेयरी मिष्ठान भंडार और सुदामा डेयरी से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर पंचनामा बनाकर भोपाल लैब जाँच के लिए भेजे हैं। गत रोज डबरा में भी कुछ मिष्ठान भंडारों और डेयरी से सैंपल लिए गए थे और उन्हें भी भोपाल जाँच के लिए भेजा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए एमएलबी कॉलेज के एक हिस्से को प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव एवं जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आदेश दिए कि इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को की जाएगी। जब तक कॉलेज प्रबंधन जवाब प्रस्तुत कर बताना होगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र एवं परीक्षाओं की क्या स्थिति रहेगी। हाईकोर्ट को बताया गया है कि मई में एमएलबी की क्लास लगेगी और इस प्रक्रिया के कारण पढ़ाई प्रभावित हो। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचन दलों को सामग्री वितरण मतगणना की व्यवस्था एमएलबी कॉलेज में हुई थी, जिस कारण 1 माह तक लगभग 4,000 स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हुई।
कॉलेज के प्राचार्य ने आरटीआई में दी जानकारी में भी इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के चलते एक महीने तक क्लास नहीं लगी। मतगणना वाले दिन कटोरा ताल मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। चुनाव आयोग को शहर के बाहरी क्षेत्र में मतगणना की व्यवस्था करानी चाहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।